रूस यूक्रेन में महाविनाशक जंग का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जमीन से लड़ी जाने वाली जंग में अब भीषण आसमानी प्रहार होगा। रूस ने ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो यूक्रेन में मातम ला देगा। सर्दियां निकल चुकी हैं, गर्मियों में मौत का मातम दिखेगा। ज़ेलेंस्की को उनकी जिद बहुत भारी पड़ने वाली है। आखिर क्या है रूस की ऐसी विध्वंसक तैयारी जिसने यूक्रेन से लेकर पेंटागन तक को सन्न कर दिया है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट, आसमान में इंतकाम, महाविनाश का नया मैदान। बर्फ पिघल चुकी है, बारूद तैयार है, भीषण अग्निवर्षा की शुरुआत हो चुकी है। एक साल की जंग में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने वाला है। यूक्रेन की जमीन ने भीषण रक्तपात देख लिया, अब आसमान से प्रहार होगा। यूक्रेन की जमीन पर जमकर लहू बहा, अब आसमान से विध्वंसक जंग की तैयारी का आगाज हो चुका है। रूस ने इस जंग में अब तक अपने सबसे खूंखार शिकारियों का इस्तेमाल किया है। रूस ने इस जंग में अब तक अपने सबसे खतरनाक आसमानी ड्रैगन को दुश्मन पर हमले के लिए भेजा है। अब रूस अपने कैसे आसमानी सिकंदर का इस्तेमाल करने जा रहा है जिसका यूक्रेन के पास कोई तोड़ नहीं है। जमीन पर रहकर सैकड़ों किलोमीटर दूर नजर रखेगा और दुश्मन को हवा में ही ढेर कर देगा। जंग के एक साल बाद रूस ने ऐसा ट्रंप कार्ड चला है जो यूक्रेन की एयर पावर को हवा में ही नेस्तनाबूद कर देगा। रूस ने जंग के एक साल बाद अपने सबसे खतरनाक रडार स्टेशन डिप्लॉय कर दिया है। यह रूस की वो ताकत है जिससे यूक्रेन से लेकर पेंटागन तक में खलबली मच गई है। रूस का वो हथियार जिसके सामने यूक्रेन के फाइटर जेट फेल है। रूस की वो मशीन जिसके आगे यूक्रेन की अटैक हेलीकॉप्टर बेदम है। रूस की वो ताकत जिसके आगे यूक्रेन की बैलिस्टिक मिसाइल्स नाकाम है। रूस की वो शक्ति जिसके आगे मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम ही फेल है। यह है जंग में रूस का सबसे घातक स्काई स्कैनर। इस रडार स्टेशन को गौर से देखिए, यह मोबाइल रडार स्टेशन है जिसे आसानी से कहीं भी मूव किया जा सकता है। यह रूस का नियोबियम रडार स्टेशन है जिसे जंग में एक साल बाद इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके सामने यूक्रेन का पूरा एयर अटैक फेल हो जाएगा। रूस यूक्रेन में नियोबियम रडार डिप्लॉय करने जा रहा है। रूस आसानी से फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स डिटेक्ट कर सकेगा। रूस बैलिस्टिक और MLRS अटैक नाकाम कर सकेगा। ये 500 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के हमले को डिटेक्ट करने में महारत हासिल रखता है। रूस जंग में इस बार अपने पूरे फायर पावर का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने यह ब्रह्मास्त्र काफी समय बाद सोच समझ कर उतारा है और यूक्रेन को भी रूस की आसमानी ताकत का अच्छी तरह अंदाजा है। इसीलिए यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने पश्चिमी देशों से गुहार लगाई है। F-16 उड़ाने वाले विदेशी पायलट्स जंग में उतरे। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रेज़निकोव की विदेशी F-16 पायलट्स से अपील, फॉरेन एक्सपर्ट्स जंग में यूक्रेन का साथ देने के लिए आए। यूक्रेन को विदेशी आर्टिलरी और वेपन एक्सपर्ट्स की जरूरत है। यूक्रेन को उसका सच पता है। ज़ेलेंस्की जानते हैं आसमान में उनकी फौज रूस का मुकाबला नहीं कर सकती।
यही वजह है कि महीनों से ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोप के सामने उसे खतरनाक फाइटर जेट्स मुहैया कराने की गुहार लगाते आ रहे हैं, और कई देशों ने यूक्रेन को फाइटर जेट देने की हामी भी भर दी है, लेकिन वो नाकाफी है। इतने जेट से यूक्रेन किसी कीमत पर रूस से जंग नहीं जीत सकता। पोलैंड से यूक्रेन को 4 MiG-29 फाइटर जेट मिले हैं। पोलैंड ने यूक्रेन को F-16 देने का सिर्फ भरोसा दिया है। स्लोवाकिया अपने 13 MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन भेज रहा है। स्लोवाकिया सिर्फ अपने रिटायर होने वाले फाइटर जेट भेज रहा है। US ने भी यूक्रेन को F-16 देने पर स्टैंड साफ नहीं किया है। ज़ेलेंस्की चीख चीख कर अमेरिका से F-16 मांग रहे हैं। यूक्रेन के मिलिट्री चीफ वैलेरी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं यूक्रेन को F-16 चाहिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रेज़निकोव अमेरिका से F-16 की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने अब तक खुलकर कुछ भी नहीं बोला है। यूक्रेन उस मझधार में है जहां से न वो सरेंडर कर सकता है और न ही जंग में जीत हासिल कर सकता है। अगर ज़ेलेंस्की ने पहली चाल चली है तो पुतिन हर कदम पर ज़ेलेंस्की से आगे नजर आ रहे हैं। इस बार रूस के आसमानी ड्रैगन के आगे यूक्रेन का पूरा एयर अटैक फेल है, क्योंकि जंग में अब है रूस का स्काई स्कैनर। रूस की वो आसमानी ताकत जो जंग में उसकी 100% जीत की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।